हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदनी यूसुफ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो और भी ज़्यादा होने वाली है ख़ास, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ एक मज़ेदार ऑफ़र। और आज की हमारी रेसिपी रहेगी चीज़ी पराठा, जिसे आप कोई भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हो और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैंने एक कटोरी आटा, गेहूं का आटा, एक कटोरी मैदा लिया है। आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। अब हम डालेंगे एक चम्मच के करीब खाने का ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आप यूज़ करते हो। हम इसका एक परफेक्ट डो लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगा लिया है इसका डो। कुछ इस तरह इसको मस लेंगे और इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड में। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिए ऑलमोस्ट, मैंने यहाँ पे इनका बना लिया चपाती। चपाती को मैंने जितना हो सका है उतना पतला किया है, आप भी उतना ही पतला करें। अब हम बनाएंगे इसका पराठा। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा बटर, आप घी का यूज़ भी कर सकते हो। अब इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से चिपका के सेट करेंगे। चलिए सेट हो गया है, थोड़ा और इसको डैप डैप करेंगे अपने फिंगर की मदद से। तो चलिए रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने चीज़ को कुछ इस तरह से ग्रेस करके रखा था। आपको जितना ज़्यादा पसंद है आप उतना ज़्यादा चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम भर लेंगे इसको पूरा और कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे एक साइड और कुछ इस साइड से। इसको फिंगर की मदद से डैप डैप करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये पैक हो गया है। तो कुछ इस तरह से मैं जिस तरह वीडियो में कर रही हूँ आपको उसी तरह से करना है। आपको अगर मोटा पसंद है तो आप मोटा रख सकते हो, वरना आप बैलन की मदद से इसे फ्लैट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है फ्लैट बैलन की मदद से। तो चलिए इसको हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए साइड में सेट होने के लिए। अब तक मैं बता रही हूँ आज के चलते मज़ेदार ऑफ़र के बारे में। तो कहा था ना एक मज़ेदार ऑफ़र बताऊँगी, तो यही है हमारा आज का सरप्राइज़। यहाँ पर है हमारे पास एक कुर्ता जिसका लुक काफ़ी कैजुअल है। आप भी कुछ इस तरह के आउटफिट बाय करना चाहते हो तो मैं आईडी टैग कर दूंगी। फ़ोटो पर मैंने टैग कर दिया है आईडी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आईडी दे दूंगी। आप इंस्टा पर जाकर बाय कर सकते हो इस पेज से। आपको यहाँ पे प्यारा सा कट मिलेगा नीचे साइड में और इसका जो मटेरियल है काफ़ी सॉफ्ट है। एक बार इस पेज पर जाने का ज़रूर सोचें। इसके साथ हमें मिली है ये प्यारी सी पैंट, काफ़ी वेस्टर्न लुक देती है, ब्लैक एंड वाइट। ये मटेरियल की तो बात ही मत करो, काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी सॉफ्ट है। गर्ल्स बॉयज़ आउटफिट आपको दोनों मिल जाएंगे। दोनों आईडी मैं नीचे टैग कर दूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से इन दोनों को साथ में वेयर करने से काफ़ी कैजुअल लुक क्रिएट होता है। तो मैंने तो इस पे से काफ़ी सारी शॉपिंग की है, तो आप भी करें और अपने डे को कलरफुल बनाएं इस तरह से आउटफिट वेयर करके। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पे हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे हमारे चीज़ी पराठे को, कुछ एक साइड से सेकेंगे पहले। 30 सेकंड के बाद हम इसको टर्न करेंगे स्पैचुला की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा चिपक रहा था, तो चलिए कोई नहीं। अब नीचे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे अच्छे से। अब हम ऊपर लगाएंगे बटर, आप घी का यूज़ भी कर सकते हो। हम इसको पलटेंगे और हम अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे से फूलने लगा है ये। इसको जितना हो सके क्रिस्पी करना है गाइस, ये काफ़ी मज़ेदार है खाने में भी। तो चलिए ऊपर भी लगा लेंगे हम थोड़ा सा बटर। लग रहा है ना कितना मज़ेदार, इसको टर्न कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा कॉर्नर से भी इसको प्रेस करके इसको थोड़ा अच्छे से सेकेंगे। दबा कर सेकने से ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो चलिए ये रेडी हो चुका है, अब इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको दाल के साथ खाना पसंद किया है। तो देखिए कितना गजब का बना है। तो
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस इजी रेसिपी को और आपका एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का ऑफ़र दोनों पेज पर जाकर ज़रूर विजिट करें, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्राइस में प्रोडक्ट्स हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।